नमस्कार, राम राम सभी साथियों को। मेरे साथ जुड़े हुए सभी फेसबुक फ्रेंड मेरे इस लाइव वीडियो को शेयर करें। मैं एक संदेश देना चाहती हूँ ताकि ये संदेश सब तक पहुँचे। आजकल मेरी तबीयत खराब चल रही है और मेरे परिवार में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। ये जो महामारी चल रही है, इसका शिकार बहुत सारे लोग हो रहे हैं। किसी गांव में 50 लोग मर चुके, किसी में 70, किसी में 100, इस तरह से बहुत सारे लोग इस महामारी का शिकार हो रहे हैं और ये बढ़ता ही जा रहा है सिलसिला। हम लाख ना चाहते हुए भी कि हम ना बताएं, ना आगे इस चीज़ को फैलाएं, लेकिन ये सच्चाई है, हमें इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो प्रयास कोविड पॉजिटिव पेशेंट के लिए कर रहे हैं, चाहे वो घरों में रह के कर रहे हैं, चाहे सरकार कर रही है, मैं सरकार के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि हम लोग कहते हैं कि सरकार की जवाबदेही है, अगर देश में कुछ ऐसा संकट आ जाता है तो ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है, प्रदेश में होता है तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी होती है। हमारे देश की प्रधानमंत्री इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं। जितनी भी इसके लिए हमें चीज़ें उपलब्ध करवानी चाहिए, वो देश के प्रधानमंत्री विदेशों से मंगवा रहे हैं। सरकारी अस्पतालों के अलावा कोविड सेंटर बनाए जा रहे हैं। कल ही की बात है, हमारे हरियाणा में 1400 कोविड सेंटर का उद्घाटन मुख्यमंत्री जी के हाथों हुआ, हेल्थ मिनिस्टर जी के हाथों हुआ। लेकिन कल मैंने हिसार में देखा कि 500 बेड का हॉस्पिटल जो बना है उसमें मुख्यमंत्री जी जब उद्घाटन करने आए, मुख्यमंत्री जी के जाने के बाद उपद्रवियों ने उस सेंटर को ध्वस्त करने की कोशिश की। क्या कारण है इसका? क्या आपके घर में मरीज नहीं है? क्या आपके घर में कोई पॉजिटिव नहीं हो सकता? क्या आपके रिश्तेदारी में कोई नहीं हो सकता? आपको ये बात को सोचना पड़ेगा। जब ये महामारी फैल रही है तो सबके घर में आए, किसी का घर ये नहीं है कि इसका घर बच जाएगा। ये महामारी ये नहीं देखेगी कि ये बड़ा आदमी है, छोटा है, किसान है, ये मजदूर है या ये पैसे वाला है, कुछ नहीं देखती। और जिसको हॉस्पिटल नहीं मिलता उससे पूछिए जाके कि उनकी क्या हालात है। घर पे लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल नहीं मिल रहा, एक एक आदमी ऑक्सीजन के बेड के लिए, ऑक्सीजन के लिए, हॉस्पिटल के लिए तरस रहा है। वहाँ किसान आंदोलन पे जो लोग राजनीति कर रहे हैं, वो लोग हॉस्पिटल तोड़ रहे थे। मुझसे पूछो, मेरे जैसे हजारों लाखों लोगों से पूछो जो अपने रिश्तेदारों को ले लेके घूम रहे हैं ठीक करवाने के लिए, लेकिन उनके सामने वो मर रहे हैं और वो कुछ नहीं कर पा रहे क्योंकि हॉस्पिटल नहीं मिल रहा। ये ड्रामा नहीं है, ना ही ये नाटक है, ये असलियत है, इसको खेल मत समझो। हमारे देश में ये जो महामारी का प्रकोप है, इससे हमें उभरने के लिए एक होना पड़ेगा और राजनीति छोड़नी पड़ेगी। जिसको जितनी गालियां निकालनी है निकालो भाइयों, मुझे निकाल लो गालियां, लेकिन अभी इस महामारी के प्रकोप से बचाने के लिए अपने और अपने रिश्तेदारों को मदद करो। कल जब मुख्यमंत्री जी हॉस्पिटल के उद्घाटन के लिए आए तो आंदोलनकारियों ने क्या किया? हॉस्पिटल को ध्वस्त करने के लिए जो भी रास्ते में आया उसको मारते चले गए। डीएसपी लोहान, अभिमन्यु लोहान, किसान का ही बेटा है ना, उस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की गई, 20 और पुलिसकर्मियों को घायल किया गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, किस लिए? आप आंदोलन कर रहे हैं, सबको पता है, लेकिन ये क्या है?
ये 500 बेड का हॉस्पिटल जो बना है वो खट्टर के रिश्तेदार नहीं सोने वाले उसमें, हमारे लोगों के काम आएगा। हम लोग जो भटक रहे हैं हॉस्पिटल ढूंढते हुए, हमारे लोगों के काम आने वाला है। क्यों कर रहे हैं आप लोग ऐसा? आप लोग चाहते हैं कि हरियाणा ख़त्म हो जाए? पहले वाला हरियाणा, पहले वाले हमारे युवा कहाँ गए, जो लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने के लिए खुद मर जाते थे, खुद अपनी जान दे देते थे। लेकिन यहाँ मरीजों को भी मार रहे हैं और दूसरे लोगों को भी, सरकार को कोस रहे हैं। यही काम रह गया हमारा सरकार को कोसने का? ये समय है क्या सरकार को कोसने का? अगर आपके अंदर इस चीज़ के लिए संवेदना नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं। क्या हो गया है हरियाणा को, हरियाणा के युवाओं को? सबसे ज़्यादा लोग किसानों के बेटे बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, उस अहमियत को समझो। और यहाँ आप लोग उपद्रव करके कोविड के जो हॉस्पिटल उनको तोड़ रहे हो, क्या फ़ायदा फिर हमारे जवानों के देश की रक्षा करने का? क्यों वो अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं? क्यों उनको शर्मसार कर रहे हो आप लोग? भाई कोरोना जब आता है ना तब ये नहीं देखता ये बीजेपी का है, कांग्रेस का है, नेलो का है, किसी राजनीतिक पार्टी का है, ये अमीर है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, कुछ नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। और आप कुछ नहीं कर सकते, आप कितने भी अमीर हो, कितना भी पैसा हो आपके पास, कोई हाथ नहीं अड़ा सकते। जब हो जाएगा ना, पानी सर से ऊपर चला जाता है, वो इंसान चला ही जाता है दुनिया से, आप कुछ नहीं कर सकते। आंदोलन ही करते रह जाना, एक बार छोड़ दो राजनीति, आंदोलन भी छोड़ दो, बचा लो अपने देश को, अपने हरियाणा को बचा लो, राजनीति छोड़ दो, खट्टर साहब को, पीएम मोदी को कोसना बंद करो, अपने अंदर संवेदना लेके आओ, दया लेके आओ अपने अंदर। क्या आप मारने के लिए ही हो क्या सबको? मुझे गालियां निकालिए, पढ़ रही हूँ, कुछ लोग गालियां निकाल रहे हैं, खूब निकालिए गालियां, कोई फर्क नहीं पड़ता गालियां से, सबको निकाली जाती है गालियां को। यही तो माहौल बन गया एक दूसरे को गालियां निकालने का, इसके अलावा बचा क्या है हरियाणा में? माँ बहनों को गालियां निकाली जाती है, यही तो रह गया। एक गाना सुनाती हूँ, मैं सुबह सुन रही थी, बाड़ा कहाँ किसाना के आनी और लाभ, दबिया को नहीं करते। सही कह रहा है, लेकिन इसको कहाँ उपयोग करना है और आप लोग कहाँ उपयोग कर रहे हो? ये गाना सुन के जोश ला रहे हो आंदोलन में उपद्रव करने के लिए? नहीं, ये हरियाणवी नहीं हो सकता। सही, हरियाणवी जो है ना ताकतवर होता है, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए, ना कि उपद्रव करने के लिए, नाश करने के लिए नहीं होता। हरियाणा का युवा, हरियाणा का नौजवान देश की बॉर्डर पे सेवा कर रहा है, अन्न उगाता है, लोगों की सेवा करता है। और ये महामारी, सबसे बड़ी महामारी जो आज हम सामना कर रहे हैं, मेरे जीवन में मैंने पहला ये महामारी का प्रकोप देखा है। आज हरियाणा के युवाओं की, पूरे देश को ज़रूरत है। हरियाणा ही नहीं, आप पूरे देश को संभालो अगर आपके अंदर जोश है। आप महाराजा सूरजमल की औलाद हैं, हम हैं, वाक्य में ही हैं। अपना जोश यहाँ दिखाओ। सरकार ने बनाए 1400 कोविड हॉस्पिटल, कोविड सेंटर सरकार ने बनाए, हम 400 बना लें अपनी ताकत से? हमें वो ताकत दिखानी है, हमें हमारे लोगों को बचाना है। ये गाना ज़रूर सुनना, ये गाना फिर से सुनाती हूँ। इस गाने को सुन के ये भाइयों ने बहुत ही अच्छा गाना तैयार किया है, नाम भी बताती हूँ मैं, एनडी कुंडू, विंटू पावड़ा, केपी कुंडू।
इन भाइयों ने, इन कलाकारों ने ये गाना गाया है, बड़ा जोश भरा है हरियाणा के युवाओं के अंदर। और इस गाने को सुन के सच में जोश भरो आप अपने अंदर। और ये जो महामारी पूरे विश्व में फैली हुई है, कुछ देशों ने कंट्रोल कर लिया है क्योंकि वहाँ के लोग समझदार हैं, हमारी तरह नहीं है जो हम एक दूसरे को गाली निकालने पे तुले हुए हैं। आज पूरी दुनिया ख़त्म होने के कगार पे है, हर घर से एक दो आदमी मर रहा है। हम राजनीति करने पे लगे, हमारे जैसा बेवकूफ़ कौन होगा भाई? हम बेवकूफ़ हैं सच में? हम राजनीति करने पे तुले हैं? हम एक दूसरे को गालियाँ निकाल देते हैं, इसको मार दो उसको मार दो ये करते रहते हैं, हॉस्पिटल तोड़ दो ये करते रहते हैं। भाई सही काम क्यों नहीं, सही काम पे अपना टाइम क्यों नहीं लगाते हैं? इस गाने को सुनो गौर से, सही काम पे अपना टाइम लगाओ। एक बात और कहना चाहती हूँ, ये जो आंदोलनकारी है ना, ये जो आंदोलनकारी है, इनसे पूछना चाहती हूँ, जो इतना ही अंदर आपके गुरूर है, इतनी गैरत रखते हो आप, पीएम मोदी को गाली निकालते हो, सरकार का हमें कुछ नहीं चाहिए, हम खुद ही करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी ने जो 20,000 करोड़ रुपए की 8वीं किस्त दी है किसान सम्मान निधि में, लौटा दो ना उसको। 19 करोड़ किसानों के खाते में आई है, और वो 19 करोड़ किसानों के खाते में जिनके आई है, वो आंदोलन का हिस्सा होगा उनमें से कोई ना कोई। उस आंदोलन से उठ भाई, और वो वापस कर वो किस्त। अगर तुझे इतनी नफरत है पीएम मोदी से, इतनी ही नफरत है तुझे सरकार से, तो वो वापस कर और फिर आंदोलन पे बैठ। और जो कोविड हॉस्पिटल जो बनाया है सरकार ने, उसको तोड़ने के लिए लोग इकट्ठे होके आए हैं ना, अगर तेरे घर में कोई पॉजिटिव आता है तो लेके मत जाना उस सेंटर में, और सरकारी अस्पताल में मत लेके जाना। मरते देख लेना अपने रिश्तेदार को, अपने सगे संबंधी को, अगर इतनी गैरत है तेरे अंदर। हम राजनीति नहीं कर सकते इस समय, मैं तो नहीं कर सकती, मेरे लिए कोई, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकती इस समय। मैं चाहती हूँ कोविड सेंटर बने, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, अमीर हो, गरीब हो, हर किसी को बेड मिले, हर किसी को ऑक्सीजन मिले, उसके लिए प्रयास करना है। जिसने किस्त नहीं ली या किस्त ली है, वो अपने गिरेबान में झांक के देखे, जो पीएम मोदी को गाली निकाल रहा है, 20,000 करोड़ रुपए की किस्तें आई है ना कहीं तो, कह रहे डीएपी कट्टा 1900 रुपये का, क्यों पहले नहीं था क्या? पहले के और आज के समय में अंतर नहीं आया? चीज़ों के रेट तो बढ़ेंगे। पहले 1-5 रुपए की सब्जी में थैला भर के सब्जी लाते थे, और आज 1,000 रुपए में थैला भर के लाते हैं, तो रेट क्यों नहीं बढ़ेगा? आज का और वो युग पहले वाला, वो ही लगा लिया। इस सरकार को कोस रहे हो, पिछली सरकारों का देखो ना, किसने दिए थे किसान सम्मान निधि में पैसे? ये पीएम दे तो रहा है, रेट तो वही बढ़ने हैं, लेकिन किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो पिछली सरकार ने दे, ये क्या कर रहे हैं? आपको पैसा दे तो रहे हैं, कुछ तो मिल रहा है, पहले तो कुछ नहीं मिल रहा था। बात करते हैं, तेल का रेट बढ़ गया, खाद का रेट बढ़ गया, खाद और तेल के रेट बढ़े हैं तो और चीज़ों के नहीं बढ़ रहे क्या? समय में भी तो फर्क आया है, आज का और वो ज़माना एक ही था क्या? धीरे धीरे चीज़ों में बदलाव तो होता ही है, हर चीज़ के रेट बढ़े। हाँ निकालो गालियाँ मुझे, सही सुनने का हौसला नहीं है आपके अंदर, आप गालियाँ निकाल सकते हो। हरियाणा का युवा क्या हो गया आज? नशेड़ी, सुल्फा, गांजा, चर्स पीने वाला नशेड़ी हो गया मेरे हरियाणा का युवा, आधे से ज़्यादा, हर तीसरे घर में देखते नशेड़ी है, मर रहे हैं नशे से, इंजेक्शन लगा लगा के मर रहे हैं। पहले तो ये कहर हमारे युवाओं पे, और दूसरा कोरोना का, समझते क्यों नहीं भाई आप लोग? आपके घर में भी कोविड पॉजिटिव हो सकता है, और ये हालात रहे ना कोविड सेंटर तोड़ने वाले, तो बेड नहीं मिलेगा कहीं भी, कहीं बेड नहीं मिलने वाला आपको।
गाना सुनना ज़रूर, ये गाना बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन इन युवाओं ने गाना बनाया है, पर इसको सही के लिए सुनो, सही करो। फिर से कहती हूँ हमारा जो हरियाणा है, हमारे हरियाणा के जो युवा हैं, नौजवान हैं, बॉर्डर पे देश की सेवा कर रहे हैं, अपना खून बहा रहे हैं, गोलियां खाते हैं सीने पे, और पूरी दुनिया में पहचान है हरियाणा के युवाओं की, हरियाणा के जो लोग हैं उनकी ताकत की, उनकी समझ की, लेकिन आज कहाँ गई वो समझ, कहाँ गया वो विचार, कहाँ दिखा रहे हो, क्यों महाराजा सूरजमल का नाम नीचा कर रहे हो आप लोग? सही समय पे और सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाओ। सही समय पे ज़रूरत है, समय आज से निकल गया ना। मेरे घर में 3 मौतें हो चुकी हैं, 3 मौतें, और मैं खुद बीमार हूँ। 3 मौतें हो चुकी हैं, हर घर इस दौर से गुजर रहा है, इस प्रकोप से गुजर रहा है, समय निकल गया, कुछ नहीं बचेगा हाथ में। मेरे सामने मेरे मामा को मरते हुए देखा हॉस्पिटलों में, मैंने उनको घुमाया, उन्होंने वो चिल्ला रहे थे, मैं मर रहा हूँ, मैं बचा नहीं पाई, उनको नहीं बचा पाई। आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होने वाला है अगर आप सचेत नहीं हुए। कोविड सेंटर तोड़ने में लगे रहे तो कहाँ से बेड मिलेगा, कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगी? मेरा सिर्फ कहने का ये मतलब है, सरकार को मत कोसो। खट्टर साहब का रिश्तेदार नहीं लेटने आएगा वहाँ, खट्टर साहब का बेटा नहीं आने वाला, हमारी बहन बेटियाँ, हमारे बेटे, हमारे भाई, उनको सुरक्षा चाहिए, उनको डॉक्टर चाहिए, उनको बेड चाहिए, उनको ऑक्सीजन चाहिए। क्यों कोस रहे हो खट्टर साहब को? एक ही काम बच गया है अब सोशल मीडिया पे गाली निकालने का, किसी का संदेश हो, कोई अच्छी बात हो, सुननी तो है नहीं, गालियां निकालते रहो बस, गालियों के अलावा कोई काम नहीं है। पहले ही हमारा हरियाणा के जो युवा हैं, हमारी जो पीढ़ी खराब होने लगी है नशे की वजह से, इस नशे का तोड़ नहीं निकाल पाए हम, ऊपर से महामारी आ गई, इस महामारी का तोड़ कैसे निकालेंगे जब आंदोलन के नाम पे कोविड सेंटर ही तोड़ रहे हैं हम लोग, कहाँ से निकालेंगे महामारी का तोड़? ना मैं कमेंट्स का जवाब दूंगी, ना मैं गालियों का जवाब, यही कहना चाहती हूँ। जो भांडगिरी, जो मेरे को नाचने वाले कहते हैं ना, भांडगिरी करती हूँ। धर्मेंद्र भी जाट है भाई, किसान है धर्मेंद्र, वो भी नाचता है, उसके बेटे भी नाचते हैं, एक्टर है वो, वैसे ही मैं कलाकार हूँ, और ये कलाकारी छोड़ने वाली नहीं हूँ तुम लोगों की वजह से। जी भर के गालियाँ निकालो, खूब निकालो, जितना निकाल सको, जितना दम है ना तुम में निकालो, एडी चोटी का जोड़ लगा के। पर मेरे को जो काम करना है, कलाकार के नाते हो चाहे राजनीति के नाते अपनी सेवा करनी हो, वो मैं करूँगी, और अपनी जो बात रखनी है वो भी रखूँगी, किसी से डरने वाली नहीं, क्योंकि मैं भी इसी कौम से ताल्लुक़ रखती हूँ, हम भी उसी महाराजा सूरजमल का अनुसरण करते हैं, पर अच्छे काम में अपनी एनर्जी लगाते हैं, खराब में नहीं। क्यों हरियाणा का नाम बदनाम कर रहे हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, जो उपद्रव कर रहे हैं? अभिमन्यु लोहान क्यों, वो किसान का बेटा नहीं है? अभिमन्यु लोहान को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश की, आपका नाते रिश्तेदार नहीं है वो, कहीं ना कहीं से निकलेगा ही ना, अपने ही लोगों को मार रहे हो। मैं तो रिक्वेस्ट करने के लिए लाई भाई हूँ, समझ जाओ, संभल जाओ। अभी अभी सरकार तो अपनी प्रोटेक्शन कर लेगी, सरकार के नुमाइंदे जो हैं, सरकार के लोग सुरक्षित कर लेंगे अपने आप को, उनको तो बेड कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, खट्टर साहब को भी मिल जाएगा, लेकिन आप लोग कोविड सेंटर तोड़ोगे, आपको कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा मुझे बताओ? कितना भी गिड़गिड़ा लेना, कितना भटक लेना, कुछ बेड नहीं मिलना, ऑक्सीजन नहीं मिलनी, आगे आगे समय और खतरनाक आ रहा है। हरियाणा के युवाओं जागरूक हो जाओ, रिक्वेस्ट कर रही हूँ आप लोगों से, अपनी एनर्जी अच्छे काम में लगाओ, लोगों की सुरक्षा और उनकी जिंदगी बचाने का प्रयास करो। आप लोग बहुत ताकतवर हो, आप में बहुत सहन शक्ति है,
राजनीति का शिकार मत हो, चंद लोग आपको राजनीति का मोहरा बना रहे हैं उसका शिकार मत बनो। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, समय है अभी, संभल जाओ। ये ड्रामा नहीं है, नाम नहीं लूंगी तुम्हारा, ड्रामा नहीं है, ये खेल नहीं है, एक्चुअल में जिंदगी आ जा रही है। अभी भी ड्रामा लगता है क्या आप लोगों को? ये अभी भी ड्रामा लग रहा है, कितने लोग मर रहे हैं मेरे सामने। मैं 2 दिन हॉस्पिटल में रही हूँ, मेरे सामने 5 लाश कभी जा रही है, 10 लाश कभी जा रही है, ये ड्रामा लगता है तुम्हें? अगर आपको ड्रामा लगता है तो आप बहुत बेवकूफ हो। अगर आपको ड्रामा लगता है, आप कोई अलग से सुरक्षा कवच पहन के नहीं आई हो धरती पे, ये महामारी आपको भी जकड़ सकती है। उस दिन पूछूंगी आपसे, ये ड्रामा है क्या? भाइयों, मेरे इस लाइव को शेयर जरूर करना, और ये जो आंदोलनकारी है जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देना। जो सरकार को कोस रहे हैं, सरकार को गालियां दे रहे हैं, भाई खट्टर साहब से क्या निकालोगे आप लोग? बार बार खट्टर साहब को कोस रहे हो, उनके अगर वो उद्घाटन कर गए तो क्या बुरा कर दिया? उन्होंने अपने बेटे के लिए नहीं किया है, हरियाणा को परिवार समझते हैं, हर इंसान को, किसान मजदूर को अपना परिवार समझते हैं। उनके लिए कोविड सेंटर शुरू किया उन्होंने, उनका बड़प्पन है ये जो उद्घाटन भी करने आए। आप कहते हो ड्रामा करते हैं, वहीं से उद्घाटन कर देते। कई लोग ऐसे होते हैं जो जिनसे काम किए बिना नहीं रह जाता। खट्टर साहब भी ऐसे ही है, जो घूम फिर के हरियाणा के लोगों को जागरूक कर रहे हैं, हौसला दिखा रहे हैं। नहीं, उनको क्या ज़रूरत है, बैठे बैठे कर लेते हैं वहाँ पे। वो हौसला इसलिए दिखा रहे हैं कि मेरे प्रदेश के लोगों का हौसला बना रहे इस महामारी में। इसलिए रिक्वेस्ट करते हैं, आते हैं, सब लोगों के बीच में रहते हैं कि लोगों को परेशानी ना उठानी पड़े। लेकिन आप खोज ही लेते हो कुछ ना कुछ गाली निकालने का मुद्दा, आके उद्घाटन करने की क्या ज़रूरत थी? आप लोगों को तो गाली निकालने से मतलब है और कुछ नहीं। अरे अपनी एनर्जी अच्छे कामों में लगाओ। कितने सालों से हमारा जो प्रदेश है नशे के प्रकोप से गुजर रहा, कुछ नहीं कर पाए हम लोग, हर तीसरे घर में नशा है। अब महामारी के प्रकोप से गुजर रहे हैं, अभी भी कुछ भी नहीं करो, कुछ हाथ नहीं बचेगा हमारे, कुछ हाथ में नहीं रहेगा। कितना कहूँ और, बहुत कह लिया। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस वीडियो को शेयर करना, जिसकी समझ में आ जाएगा तो शायद कोई इस बात पे अमल करे, और जो झंडा उठाया हुआ है आंदोलन का उसको छोड़ के महामारी के खिलाफ अपनी एनर्जी लगाए। प्लीज़ कोविड पेशेंट को बचाने में अपनी एनर्जी लगाओ, ये समय जो है बहुत मुश्किल भरा है, और अपने लोगों को, अपने को सुरक्षित करने के लिए अपना समय लगाओ, अपनी एनर्जी लगाओ। और हरियाणा का युवा बहुत ताकतवर है, समझदार भी है, समझेगा इस बात को और अपनी एनर्जी उसी में लगाएगा, अच्छे कामों में लगाएगा, उपद्रव करने में नहीं। भाइयों आपसे रिक्वेस्ट है, युवाओं आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इसको करें और अच्छे कामों में अपनी एनर्जी लगाओ। आप बहुत ताकतवर हो, समझदार हो, समझो इस चीज़ को। दुख की घड़ी में अगर आप साथ देते हो लोगों का, सरकार का मत दो, मैं ये नहीं कहती सरकार का दो, दुख की घड़ी में लोगों की परेशानियाँ जो चल रही हैं उनको परेशानियों से बाहर निकालो। हॉस्पिटलों की संख्या कम है, मरीजों की संख्या ज़्यादा बढ़ी हुई है, उसका रास्ता निकालो। संस्थाओं के माध्यम से और हॉस्पिटल तैयार करवाओ, डॉक्टर्स लेके आओ बाहर से, कुछ तो करो, बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। समझदारी से काम लो। पूरी दुनिया में हमारे किसानों के बच्चों की, किसानों की बहुत अच्छी पहचान है, बहुत अच्छा समझा जाता है हमारे हरियाणा को, हमारे हरियाणा के सब लोगों को, कि हरियाणा का सबसे बड़ी संख्या में हरियाणा के लोग बॉर्डर पर सेवा करते हैं। तो आज सही समय है, आपको अपने हरियाणा के अंदर ही सेवा करने का मौका मिला है, और इस अवसर पर आप सेवा करो, लोगों की जिंदगियाँ बचाओ। और जिसके घर से लोग गए हैं वो ज़िंदगी की कीमत को बहुत अच्छे से जानता है, शायद वो तो कुछ करेगा। धन्यवाद आप सभी का।